पावर का सोलर बिजली पे वो चलता है, और ये तीन हॉर्स पावर का है, डीजल पंप है, और ये जो जैक पंप है ट्यूबवेल है, और ये एक हॉर्स पावर पे चल के अच्छा भले 4 इंच की 6 इंच के बराबर पानी देता है। इसमें बिजली बहुत थोड़ी खर्च होती है, और इसके अलावा ये जो पंप है ये अगरचे डीजल का ही है, लेकिन ये गैस पे पंप चला रहे हैं, बायोगैस पे चला रहे हैं, और ये उसके साथ जनरेटर लगा हुआ है जो बिजली पैदा करता है। इसमें हम 5 हॉर्स पावर तक मोटर भी चला सकते हैं। कार्बन पॉलीएथिलीन यूवी स्टेबलाइजर है, तो ये एक्चुअली वाटर टैंक है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इसके अंदर ये एक कीफ इंट्रोड्यूस करवाई गई है ताकि हम इसके अंदर इंटरनली एनरोबिक कंडीशंस डेवलप कर सकें। इसके अंदर हम डेली तकरीबन कोई 6 से डेली या हर दूसरे तीसरे दिन 6 से 7 जो है ना वो प्रीपेड स्लरी जो है वो हम उसकी बाल्टियाँ जो हैं बकेट्स जो हैं वो डालते हैं, और उसके बाद ये है कि उसको जितना हम मटेरियल वॉल्यूम ऐड कर रहे होते हैं अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन उतना ही हम इसके बॉटम से एक्सट्रैक्ट कर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो कीफ है ये तकरीबन इसके अंदर इसके है कोई 5-7 इंच इसके अंदर, यानी कि वो डिप है, तो उसके दरमियान में इसकी इसी कीफ ही की वजह से इसके इर्द गिर्द में ये वैक्यूम है, यहाँ पे गैस जनरेट होती है इसके एनरोबिक कंडीशन की वजह से, बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ की वजह से, और यहाँ से जो गैस है ये हम ट्रैक्टर के रेयर ट्यूब्स हैं इनके अंदर कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू वॉल्स दिस। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये लाइक हमारे USB की तरह हैं, जिसे हम जहाँ पे भी एज ए कुकिंग ले के पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें इन्हें लेके जा सकते हैं, या हम इसको उसके लिए यूज़ करना चाहें इंजन्स के लिए या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ के लिए, वहाँ पे भी हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये तकरीबन 1992 का सिस्टम बना हुआ है, मगर एक्सपोज टू एटमोसफेयर है, ये ब्लैक कार्बन और यूवी स्टेबलाइजर होने की वजह से ना इसकी कोई भी इसके मटीरियल के ऊपर कोई इशू नहीं है। ब्लैक होने की वजह से ये टेम्परेचर बूस्टर है, क्योंकि सोलर रेडिएशन ये ऑब्जॉर्व करता है तो इसका इंटरनल टेम्परेचर राइज हो जाता है। एक्चुअली में जो इसके अंदर बैक्टीरियाज हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो 50 से 60 सेंटीग्रेड के ऊपर मैक्सिमम है रेट ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद जो है जिस तरह टेम्परेचर कम होता जाता है उसकी रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना बैक्टीरिया उन जो है ना वो कम होती जाती है। तो ये इस वजह से ये सिस्टम है, और ये पोर्टेबल सिस्टम है। अगर आप को ज़्यादा क्वांटिटी में गैस रिक्वायर्ड है तो आप इसको सीरीज़ में आप सिस्टम 2-3 और लगा लें, या इसको इससे 500 गैलन्स के भी उन जो ये पॉलीकॉन वालों से डेवलप करवाए गए थे उनको रिकमेंड किया गया कि वो 500 गैलन्स की जो टैंक्स हैं उसके अंदर भी इस तरह का मैकेनिज्म आपको बना के देंगे ताकि आप इससे बायोगैस कलेक्ट कर सकें। उसके बाद हम आते हैं ये स्लरी प्रिपरेशन के लिए मिक्सिंग चैम्बर है। ठीक है, इसके साथ 1 हॉर्स पावर की हमने एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई है, जो कि ये जो स्क्रैप से हमें ये गेयरबॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम इक्वल वेट ऑफ डंक और इक्वल वेट ऑफ वाटर जो है वो डाल देते हैं, उसको मिक्स करते हैं ताकि एक होमोजीनियस मटीरियल डिवेलप कर लिया जाए। ये जो होमोजीनियस मटीरियल है वो हमारे पास 2 तरह के सिस्टम हैं उनको हम फीड करते हैं। एक इंडियन टाइप है, फ्लोटिंग ड्रम भी इसे कहते हैं, ये है कोई 10 क्यूबिक मीटर का डाइजेस्टर है, और उसके बाद 35 क्यूबिक मीटर
करते हैं, उसके बाद हमने जिस सिस्टम को फीड करना हो उसको हम फीड करते हैं। ये जो स्लरी जो हम फीड करते हैं ये अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर और उसके रिटेंशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये जो सिस्टम है ये 10 क्यूबिक मीटर का है, इसको हम 150 केजी स्लरी जो है डंक डालते हैं विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, मीन के 150 केजी उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, उसकी होमोजेनियस स्लरी प्रिपेयर करते हैं, उसको फीड कर देते हैं। और उस सेकंड वन है 35 क्यूबिक मीटर का सिस्टम जो है, उसके लिए हम 200 केजी एंड 210 केजी जो है हम डंक और 210 केजी हम जो है ना वाटर ऐड कर इक्वल वेट ऑफ वाटर लेते हैं, उसको हम होमोजेनियस स्लरी प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसको हम फीड कर देते हैं। वो 350 गैलन्स वाला वो तकरीबन 1992 का बना हुआ था, तो उस वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर हुआ हुआ था, उसके ऊपर वेदर इफेक्ट कोई भी नहीं हुआ, तो उसके बाद ये वेदर इफेक्ट्स कुछ भी नहीं हुए, तो मटेरियल ब्रेकडाउन या उसकी वेयर एंड टेयर के इश्यूज नहीं आए। तो इस वजह से पहले ये जो कन्वेंशनल सिस्टम में ये चला था कि इसके अंदर लोहे का ड्रम आयरन का ड्रम यूज़ हो रहा था, जो कि कॉस्टली भी था और उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस थी वो भी कॉस्ट ज़्यादा थी, उसको पेंट करना पड़ता था हर वन ईयर के बाद, उसके बाद उसकी वेयर एंड टेयर थी कि रस्ट जंग लग जाता था तो फिर उसके हर तीसरे साल उसको हमें वो जो ड्रम था रिप्लेस करना पड़ता था। उस मटेरियल की जो एक्सपेरिमेंट्स और उस मटेरियल की जो हमें ऑब्जर्वेशन से हमने उस कोशिश की कि उस जो ड्रम है वही आयरन वाला उसको रिप्लेस कर दिया हमने ये सी ब्लैक कार्बन पॉलीएथिलीन लो यूवी स्टेबलाइजर से। अब ये है कि इसके सेम वही सिस्टम है और वही चीज़ है, ये भी एक्चुअली इंटरनल टेम्परेचर बूस्ट करता है इस सिस्टम का, जिससे रेट ऑफ प्रोडक्शन और इंटरनल टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ जाता है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इसकी लाइफ भी हम जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें तवक्को है कि तकरीबन ये होगी 20 से 25 ईयर्स होगी। इसके लिए हमने इसको टिल्टिंग से बचाने के लिए हमने इसके लिए गाइड पिलर्स लगाए हैं ताकि ये टू एंड फ्रो स्ट्रेट 90 के एंगल पे मूव कर सके। इसके हम टॉप के ऊपर हमने इसके गैस आउटलेट वॉल्व दिया हुआ है, जहाँ से हम इसकी जो गैस है वो कलेक्ट करके हम उसको इंजन तक ले जाते हैं टू प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके ऊपर हमने प्रेशर गेजेस भी लगाई हैं, इसका इंटरनल प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक, इसका प्रेशर इंटरनल मेजर इंटरनल इसका गैस होल्डर का प्रेशर मेजर करने के लिए प्रेशर गेजेस लगाई गई हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसका तकरीबन 14 मिली बार इसका इंटरनल प्रेशर है, और इसका डाया जो है वो है 8.5 फीट इसका डाया है। तो यहाँ से हम ये जो गैस है ये कलेक्ट करके हम इंजन की तरफ ले जाते हैं। सेकंड वन हम इसके बाद आएंगे 35 क्यूबिक मीटर के ऊपर। 35 क्यूबिक मीटर का प्लांट है और इसका हमने इंटरनल टेम्परेचर मॉनिटर, इसका शेप लाइक इस तरह है कि आपने एक बीकर लिया हुआ है और उसके ऊपर एक जो है ना बाउल जो है ना वो उल्टा किया हुआ है। नीचे डाइजेस्टर है, 22 क्यूबिक मीटर का डाइजेस्टर है, और बाकी जो तकरीबन बाकी सिस्टम जो है ना वो लाइक गैस होल्डर काम कर रहा है। इसका हमने इंटरनल टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए थर्मोकपल लगाया हुआ है, इसका प्रेशर इंटरनल मेजर करने के लिए हमने प्रेशर गेजेस लगाई गई हैं। तो इसका यह है कि जब हम इसको मटेरियल फीड करते हैं तो इसके बॉटम से फीड करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ से वो कंपनसेशन टैंक में चला जाता है, यह इसका कंपनसेशन टैंक है। ठीक है, यहाँ से ये जो मटेरियल है आफ्टर डाइजेशन कंपनसेशन टैंक से ये जो मटेरियल है यहाँ से ये वापस उधर हमारे स्लरी मैनेजमेंट टैंक में चला जाता है। इधर से इसका मटेरियल एफ्लुएंट्स और सेकंड वन इसके, तो ये इसका मटेरियल, ये तमाम जो है डाइजेस्टेड जो स्लरी है यहाँ से ये इस स्लरी मैनेजमेंट टैंक में आ जाती है। ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इसको हम डायरेक्टली क्रॉप्स को दे देते हैं और उसके बाद हम इसको ड्राई भी करते हैं केक्स की फॉर्म में। इसको ड्राई करने के बाद एज ए
सॉलिड फर्टिलाइज़र जो है ना हम इसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर अपनी क्रॉप्स के लिए और अपने जो भी हम एज ए फर्टिलाइज़र बेस्ट फर्टिलाइज़र इसे जो इसको हम यूज़ करते हैं। रेट हुई उसके अंदर जो गैस है वो कंपोजिशन है मीथेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, हाइड्रोजन सल्फाइड और उसके अंदर मॉइस्चर्स है। अब मॉइस्चर को हमने जो मॉइस्चर जो है ना वो इसके जो पाइप्स हैं जो गैस के पाइप हैं उनके अंदर कलेक्ट हो जाता है और वो पाइप्स को बंद कर देता है। उस मॉइस्चर को हमने कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मॉइस्चर ट्रैपर्स लगाए हैं। ठीक, ये मॉइस्चर ट्रैपर्स लगाए हैं जो वाटर जो गैस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है इसको हमने ग्रेडियंट्स दिया हुआ है, अप किया हुआ है गैस के वो बायोगैस प्लांट की तरफ से और अप दूसरी साइड से भी अप किया हुआ है जिस तरफ हम इसके गैस के जो वो हैं वो जहाँ से हमने गैस पे इंजन के लिए जहाँ पे हमने गैस यूज़ करनी है तो इसको वहाँ से भी अप किया हुआ है। ये लोएस्ट पॉइंट है, इस वजह से दोनों तरफ जितना भी मॉइस्चर आता है वो इस तरह इधर बॉटल्स में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ से ये जो गैस है उसके बाद हम वो जो गैस है उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं क्योंकि हमने साइंटिफिकली इस सिस्टम सारे को एड्रेस करना है और उसको उसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो इसकी वजह से ये है कि हम वो सारी जो गैस है यहाँ पे गैस के मीटर्स लगाएंगे, फ्लो मीटर लगाएंगे, यहाँ पे कितनी गैस टोटल जनरेट हुई उसका वॉल्यूम यहाँ से हम मेजर करते हैं। यहाँ से ये जो गैस है ये हम इधर हाइड्रोजन, ये हमने एक लोकली मेड किट बनाई है, डीसल्फराइजर किट है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड भी इस गैस के अंदर होती है जो कि क्रोसिव है और डेंजरस है अगर आप इंजन रन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस वजह से हम इसके अंदर आयरन स्पॉन्जी आयरन स्टोन्स का यूज़ किया गया है, जो गैस आती है वो उनके उसके थ्रू फिल्टर होके यहाँ से डीजल इंजन में आ जाती है, यहाँ से डीजल इंजन में आ जाती है। ये 16 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है जो कि हमने कपल किया हुआ है प्रेशर पंप के साथ और ये 4x3 का प्रेशर पंप है, उसके साथ ही हमने कपल किया हुआ है 7.5 किलो वाट का एसी एस्क्रोनस जनरेटर कपल किया हुआ है, 3-phase जनरेटर है। तो ये भी हम आपको इसको डेमोंस्ट्रेट करके चला के दिखाएंगे। अब हम पीछे से इसको इसी को गैस के ऊपर गैस देंगे। ठीक है, जैसे ही हम इसको गैस देंगे इसके नंबर ऑफ आरपीएम तो इसकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जिस तरह हमने पीछे से गैस दी है नंबर ऑफ आरपीएम्स बढ़े हैं, जैसे ही नंबर ऑफ आरपीएम्स बढ़े हैं तो उसके वोल्टेज जो हमने साथ में इसका एसी सिंक्रोनस जनरेटर लगाया हुआ है उसके वोल्टेज पूरे हुए हैं, वोल्टेज पूरे हुए हैं तो उधर से हमें जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो मिलने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना 20% जो है वो हम डीजल कंज्यूम हो रहा है और 80% जो है ना वो बायोगैस कंज्यूम हो रही है। तो इस तरीके से ये है कि इसके जो डस्ट पार्टिकुलेट्स हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं, जो हम बंद कर दिया वायर उतर गई है गैस की कंजप्शन इसको हम देंगे थोड़ी गैस नहीं ना चाल रही है। Thank you.
7.5 किलो वॉल्ट का जनरेटर भी कपल किया हुआ है थ्री फेज का जनरेटर, और ये ट्यूबवेल भी आपने कपल किया हुआ है। या उसको चुनाव बढ़ना शुरू है, फ्यूल फ्यूल हो गया, ठीक है ना, गैस भी ले रहे हैं और डीजल पे भी जा रहे हैं, लेकिन जो गैस है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा देके डीजल हमारे कम यूज होगा, इसकी और डिस्चार्ज भी देखें ज़्यादा होगा। इसकी के हम ये है कि अपने जो गैस जो डीजल है उसकी सेविंग वो उसका जो बिल है ना वो हम 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। हम उसकी जगह हम वो 80% बायोगैस जो है ना वहाँ से एनर्जी लेंगे उस अपने जनरेटर इंजन को रन करने के लिए। Thank you.